हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं कौशल कुमार आपके सामने वर्तमान की एक प्रमुख समस्या की चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है। इस मुद्दे पर हम ये देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि अफगानिस्तान एक समस्या है या समाधान। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हमको ये समझना है कि वास्तव में जो अफगानिस्तान, इसे हम समस्या कहें या समाधान कहें, हम यह बात तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी वास्तविक पृष्ठभूमि में नहीं जाते। तो अगर हमें अफगानिस्तान संकट को वास्तविक रूप से समझना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। और मैं इसकी शुरुआत करने के लिए आपको ले जाना चाहता हूं 1776, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ। देखिए, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका में विभिन्न देशों के लोग, मोस्टली यूरोप के लोगों ने, अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। जब आधिपत्य स्थापित करना शुरू हुआ तो हुआ क्या, जो अमेरिका था वहां पे यूरोप के विभिन्न देशों के लोग आकर के रहना शुरू किए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूरोप के लोग अमेरिका जाके रहने लगे तो वहां की भूमिका, वहां के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों में किया। और क्योंकि यूरोप के लोग अत्यधिक समृद्ध हो गए तो उसका परिणाम यह निकल के आया कि अमेरिका एक औद्योगिक, एक औद्योगिक शक्ति के रूप में सामने आया। अब देखिए, औद्योगिक का तात्पर्य क्या होता है? अगर आप औद्योगिक को समझेंगे तो कहने का तात्पर्य होता है कि उद्योगों की स्थापना मशीनों की सहायता से। मतलब उद्योग तो होंगे लेकिन वहां पे जो मेन लेबर होगा, जो फोर्स होगी, काम करने वाले लोग होंगे, उनमें मशीनों की बहुलता होगी, मशीनों की प्रमुखता होगी। तो जब यह अमेरिका एक औद्योगिक कंट्री बना तो आप समझिए ये सिर्फ एक दुकानदार टाइप का बना। आप समझिए इस बात को कि जो अमेरिका है, जो उसके यहां परिस्थितियां डेवलप हुई उस हिसाब से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदार की भूमिका में सामने आया। ठीक। अब देखिए, जो दुकानदार होता है उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि वह अपने सामान को बेच दे, अब देखिए, बेचने के लिए उसे एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए? मार्केट। उसे चाहिए बाजार। और ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इसका टाइम था 1914 से ले 1919 तक। अगर आप वास्तविक रूप में देखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में परिस्थितियां चेंज होती गई और विपरीत परिस्थितियों में अमेरिका युद्ध में तब पार्टिसिपेट करता है जब एक घटना घटती है लुसिटानिया की। लुसिटानिया एक जहाज का नाम था। इस जहाज को जर्मनी जब डुबो देता है तब अमेरिका अपने नागरिकों के हत्या का बदला लेने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो जाता है। अब देखिए, अमेरिका कभी भी युद्ध नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से आप सेकेंड वर्ल्ड वार में देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ
इसका टाइम था 1939 टू 45। इस युद्ध में भी अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करता। अब देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है इसमें भी अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है, वो घटना थी पर्ल हार्बर। युद्ध कंटिन्यू चल रहा था और युद्ध में अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन जापान तत्कालीन परिस्थितियों में अपने महत्व को बढ़ाने के लिए उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? जापान ने। और जो जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो फिर वही बात जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई थी कि अमेरिका को युद्ध में भाग लेना पड़ा और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए जिससे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो इन सारी बातों से कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि अमेरिका एक औद्योगिक कंट्री है, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। एक तरफ हो गए कैपिटलिज्म वाले, एक हो गए कम्युनिज्म वाले। तो देखिए दो ग्रुप बना, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, ठीक। और जिसका परिणाम निकल के सामने ये आया कि पूरा विश्व आपको दो कलर में दिखाई देने लगा, एक तरफ कैपिटलिज्म एक तरफ कम्युनिज्म। देखिए ये दोनों की दोनों जो विचारधाराएं थी एक दूसरे की विरोधी थी और इन दोनों के बीच जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, इन दोनों के बीच जो विवाद प्रारंभ हुआ उसको कहते हैं कोल्ड वार। उसको कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब है वार नाम दिया गया है लेकिन यहां पर सारी चीजें सीक्रेट तरीके से की जाती थी, गुप्त तरीके से, कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं होता था। यहां पे कोल्ड वार नाम इसीलिए दिया गया कि युद्ध छद्म होगा, छुपे हुए रूप से होगा, सामने से युद्ध नहीं होगा, इसलिए से कोल्ड वार कहा जाता। अब इसी की जो परिणति निकल के सामने आती है आज हम पहुंचते हैं, हम बात करते हैं अफगानिस्तान विवाद, ठीक है। और इस वर्ल्ड मैप में आप ध्यान से देखिए ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया रशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एरिया आपका इंडिया हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। अब इसको मैं बड़े मैप में दिखाऊंगा, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये ईरान है और ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वार द्वितीय खत्म हुआ तो जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो एक होड़ सी मच गई। अमेरिका अपने समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाह रहा था, दूसरी तरफ रूस अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाह रहा था। तो ये हुआ कि जो ये एशिया का एरिया पड़ता है, जो ये एशिया का एरिया पड़ता है, इस एरिया पे किसका आधिपत्य स्थापित होगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे दृष्टिगत करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो रशिया है, रशिया का विस्तार यहां ऊपर तक आएगा, ठीक। ये जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरियाज पहले रूस के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो रूस जो चाहता था वह अपना इंटरफेयर बढ़ाना शुरू किया अफगानिस्तान के संदर्भ में, जहां तक आपको मालूम है कि रूस का प्रभाव भारत पर भी था। पीछे अगर आप उठा के 1970-80 के दशक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा साझेदार, सबसे बड़ा सामरिक साझेदार रूस ही हुआ करता था।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रूस ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया, अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इसी समय जो अमेरिका है वह अपना इंटरफेरेंस शुरू करता है पाकिस्तान में। कहां शुरू करता है? पाकिस्तान में। देखिए, इसे कहते हैं काउंटर बैलेंस गेम। अगर रसिया इंडिया में, अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया में अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। ये सिर्फ काउंटर बैलेंस का गेम था कि एक दूसरे के क्षेत्र पे आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते तो अपने समूह के सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे। इसी कारण से अब देखिए, जो अफगानिस्तान का मुद्दा शुरू हुआ, रशिया का प्रभाव ज्यादा था और वहां पे इंटरफियर करने का प्रयास कर रहा है अमेरिका। किसके माध्यम से? एक तो सऊदी अरेबिया के माध्यम से, दूसरा ईरान के माध्यम से और तीसरा पाकिस्तान के माध्यम से। ठीक, विपरीत परिस्थितियां थी रशिया के लिए। तो देखिए, जो अफगानिस्तान का एरिया था, ठीक है, इधर पाकिस्तान से टच करता है, इधर ईरान से टच करता है, ठीक है, ऊपर बहुत थोड़ा सा यहां पे देखेंगे तो ये इंडिया से भी टच करता है, ठीक है, और ऊपर के ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे एरिया पहले रशिया के अंतर्गत आते थे। जब रूस का विभाजन हुआ तब ये क्षेत्र अलग हो गए। तो जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय कंडीशन यही थी। तो हुआ क्या कि जो रूस है, जो रसिया है, रसिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान में युद्ध तक लड़ा और उसका टाइम था 1979 to 89। ठीक है, ये युद्ध होता है। होता क्या है इस युद्ध में? इस युद्ध में रसिया पराजित हो जाता है क्योंकि अमेरिका, जो यूएसए है, वह यूएसए ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से और सऊदी अरेबिया के माध्यम से अफगानिस्तान को सहायता पहुंचा रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि रसिया को डिफीट करने के लिए, रसिया को हराने के लिए अमेरिका तीन देशों को काउंटर बैलेंस के रूप में प्रयोग कर रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। अंततः 89 में रसिया यहां से विड्रॉ कर लेती है और तकरीबन वो डिफीट हो जाती है। तो अब देखिए परिस्थितियां कैसे चेंज होती है। ठीक, अब अमेरिका ने रशिया को हटाने के लिए जो गेम रशिया को हटाने के लिए खेला तो उसमें कई ऐसे लीडर थे, कई ऐसे लड़ाकू थे जिसे उसने एज ए इंस्ट्रूमेंट या साधन के रूप में प्रयोग किया। अब देखिए, सऊदी अरेबिया, अमेरिका ने, यूएसए ने एक व्यक्ति जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया से भेजा अफगानिस्तान, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का व्यक्ति था, अमेरिका के द्वारा पोषित किया जा रहा था। तो उसे ये आशा थी कि अगर हमारा व्यक्ति अफगानिस्तान में आधिपत्य स्थापित करता है तो इन क्षेत्रों पे अमेरिका का आधिपत्य हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध था, अमेरिका ईरान के साथ अच्छे संबंध बना के रखा था। ये सब चीज़ें चल रही थी। आप एक बात ध्यान दीजिएगा
इंडिया के साथ अमेरिका के उत्तेजित संबंध नहीं थे। यह सब घटनाक्रम चल रहा था। यह व्यक्ति है ओसामा बिन लादेन। यहां एक विवाद होता है। हुआ क्या, देखिए, ...1991 में एक युद्ध होता है, इसे कहते हैं इराक युद्ध या इराक वार। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ यूएसए था। दोनों के बीच युद्ध छिड़ा। तो हुआ क्या इसमें, आप देखिए, इसको मैप के माध्यम से समझिएगा। ये है आपका इराक। ठीक, इराक में युद्ध शुरू हो रहा है और अमेरिका दूर से आएगा। तो अमेरिका ने क्या किया कि सऊदी अरेबिया के साथ एक ट्रीटी की कि हम जो अपने प्लेन्स हैं उनमें जो ऑयल है, जो तेल है, ईंधन है, आपके यहां से भरवाकर तब हम इराक पे अटैक करेंगे। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि यह चीज उसने भारत के साथ भी संधि की थी कि हम आपके यहां से भी ऑयल डलवाएंगे और फिर हम इराक पे अटैक करेंगे। अब यह वाली बात ओसामा बिन लादेन को सही नहीं लगी। ओसामा बिन लादेन ने कहा अमेरिका से कि आप सऊदी अरेबिया, जो कि मक्का मदीना की पवित्र भूमि है, उसका उपयोग किसी देश पर अटैक करने के लिए मत करिए। इस मामले को लेकर के अमेरिका और ओसामा बिन लादेन में विवाद शुरू हो जाता है। देखिए, जो 9/11 की घटना घटी, इस घटना ने पूरे विश्व के परिस्थितियों को काफी हद तक परिवर्तित कर दिया। हुआ क्या, इसे आप समझिए थोड़ा सा। तो जो 9/11 की घटना घटी, ठीक, अब देखिए उसमें क्या हो रहा था। एक तरफ आपका यूएसए है, ठीक है, और दूसरी तरफ रसिया है। ठीक, यूएसए जो सपोर्ट कर रहा है ओसामा बिन लादेन को, यही ओसामा बिन लादेन जो अभी तक यूएसए के द्वारा ही पोषित किया जा रहा था, अब ओसामा बिन लादेन अमेरिका का विरोधी हो गया। विरोधी हुआ और ओसामा बिन लादेन ने ही 9/11 घटना का प्लान बनाया, सुनियोजित तरीके से उसे सफल किया। अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो हो गया ओसामा बिन लादेन। मतलब जिस ओसामा बिन लादेन ने 9/11 पे का अटैक कराया, अब वह अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। अब अमेरिका का एक उद्देश्य है, अमेरिका का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, टू किल ओसामा बिन लादेन, टू किल ओसामा बिन लादेन। अब यहां से आप देखिए कि परिस्थितियां कैसे चेंज होगी। ठीक, अब हुआ क्या, ओसामा बिन लादेन साबरे तो बैठा नहीं था कि आपने गूगल प्ले स्टोर खोला और डाउनलोड किया, नहीं, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था और इसकी जो सहायता कर रहे थे वहां के तालिबानी कर रहे थे। ये बात आपको मालूम होगी कि जो अफगानिस्तान की लैंग्वेज है पश्तो, उस लैंग्वेज में तालिब जो स्टूडेंट्स होते हैं
उन्हें कहते हैं तालिब। और रसिया के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा अफगानिस्तान के लोगों ने, उनमें सबसे प्रमुख छात्रों ने युद्ध में लड़ा, सबसे विशेष रूप से छात्रों ने लड़ा, तो उनका जो एक समूह बना उसे कहा गया तालिबानी या तालिबान। तो ओसामा बिन लादेन को जो सहायता मिल रही थी वह तालिबानियों से मिल रही थी। अब अमेरिका ने अपना काम शुरू किया एक उद्देश्य लेकर कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान को नष्ट करना है। आप देखिए बार बार आप देखेंगे तो अमेरिका पहले तो युद्ध नहीं लड़ता, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो। यहां पर भी युद्ध वो तब लड़ रहा है जब उस पर अटैक होता है। आप बार बार देखेंगे कि जब भारत ऊपर आतंकवादी घटनाएं घटती थी, भारत अमेरिका से कहता था, तो भारत से अमेरिका कहता था कि आप शांति रखिए, सद्भावना बना के रखिए। लेकिन जब उसके ऊपर घटना घटी तो उसने पूरे विश्व के सिनेरियो को चेंज कर दिया। इवन मुस्लिमों को, हर एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर उसने शक किया, और जिसकी परिणति आपको यूएसए के इंटरफेरेंस दिखती है अफगानिस्तान में। लेकिन बात फिर वही निकल गई कि अब यूएसए अफगानिस्तान में कितना सफल होता है कितना असफल होता है, इस बात को हम थोड़ा सा आगे मैप के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यह मैप है, मतलब 2001 के बाद, 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, उस समय का सिनेरियो क्या है आप समझिएगा। यहां पर दो चीजें चेंज होगी। अमेरिका यूएसए को पहुंचना है अफगानिस्तान, ठीक है, ठीक। अब डायरेक्ट तो पहुंचेगा ही, साथ ही साथ वह पाकिस्तान को भी प्रयोग कर रहा था, साथ ही साथ वह सऊदी अरेबिया को प्रयोग कर रहा था। मतलब तीन राज्यों के माध्यम से वह अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, और साथ ही साथ 9/11 के जो सबसे बड़ा विक्टिम था, जिसे अपराधी कहते थे, ओसामा बिन लादेन को समाप्त करना था। अब यहां देखिए इस घटना के बाद, देखिए पूरे विश्व स्तर पे एक व्यापक परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है आप समझिए। देखिए जो यूएसए है, यूएसए ये बात देख रहा है कि जिसे वो फंडिंग कर रहा है, जिस पाकिस्तान को वो फंडिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान खुद ही एक आतंकवाद समर्थित देश के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो इसके सामने एक और विकल्प निकल के सामने आया, वो था इंडिया। कौन था? इंडिया। अब इंडिया के साथ अगर अमेरिका के अच्छे संबंध बनते हैं तो अमेरिका को दो फायदा होगा। एक तो फायदा होगा शांति, पूरे विश्व में शांति और सौहार्द का संदेश देने में जितनी सफलता भारत को मिली है, हमारे यहाँ तो पुरातन समय से ही बौद्ध जैनों ने शांति और सौहार्द की बात की है, हमारे वेदों में शांति सद्भावना की बात की गई। तो जो संदेश पूरे विश्व को भारत ने शांति सद्भावना के रूप में दिया, उसका फायदा अमेरिका को मिलेगा। और साथ ही साथ आतंकवाद जो नासूर के रूप में निकल के सामने आया है अमेरिका के सामने, उसको भी समाप्त करने में अमेरिका को मदद मिलेगी, और उसमें सबसे बड़ा मददगार होगा भारत। ये तो बात सामरिक थी। जो सबसे बड़ा फायदा होना था अमेरिका को वो था बाजार के रूप में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है,
अमेरिका एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, वह डेवलपमेंट के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से उत्पादन बहुत उच्चतम स्तर करता है, लेकिन कोई भी उत्पादन सफल तभी माना जाता है जब उसके लिए मार्केट, बाजार उपलब्ध हो। यहाँ पर अमेरिका भारत का प्रयोग बाजार के रूप में भी कर सकता था, इसलिए उसने भारत को अपने नज़दीक लाने का प्रयास किया। यहाँ पे संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगती है और आप देखेंगे जिसका परिणाम यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में परमाणु समझौता किया गया, जिसका विरोध बहुत लोगों ने किया, लेकिन इसलिए समझौता किया गया कि हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अपने यहाँ घरेलू स्तर बिजली बनाने में भी करेंगे। तो इसका फायदा सिर्फ ये है कि भारत और अमेरिका नज़दीक आ रहे हैं। अब देखिए एक बात और, जब भारत अमेरिका नज़दीक आ रहे हैं तो एक और चीज़ परिवर्तित होती है, वो क्या होती है? जब भारत से नज़दीकी बढ़ेगी अमेरिका की, तो जो रसिया है इसके साथ भारत की दूरियां बढ़ने लगी। मतलब जो अभी तक सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र हुआ करता था रसिया भारत का, क्योंकि दोनों अलग अलग पोल है, एक तरफ रसिया है एक तरफ अमेरिका है, तो जब भारत रसिया के से दूरी बना रहा है तो अमेरिका के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि दोनों के साथ संबंध बना के रखना संभव नहीं है। उससे भारत की यह बहुत अच्छी विदेश नीति का उदाहरण है कि भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों में एक संतुलन की स्थिति कायम रखी। ठीक, अब इन विपरीत परिस्थितियों के बाद सिनेरियो कितना चेंज हो रहा है, आप इसे देखिए। वर्तमान स्थिति में आप इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक देखिए, यह है चाइना, ठीक है, ऊपर है आपका रसिया, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अमेरिका अरेबिया, और इधर आप समझ लीजिए यूएसए। ठीक, अब देखिए जो परिस्थितियां चेंज हुई, 1990 के बाद चाइना ने जो डेवलपमेंट करना शुरू किया, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बन के सामने आया। अब चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन का फायदा तब है जब सप्लाई हो, क्या हो? सप्लाई हो। और आप ध्यान से देखिए कि चाइना के पास सप्लाई करने के लिए सी रूट नहीं है। चाइना अब हमेशा देखिए साउथ चाइना सी में हमेशा आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं होता, क्योंकि उधर जापान है, उसके साउथ चाइना सी में इंटरफेरेंस के विरोध में अमेरिका भी हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए चाइना को यह लगने लगा कि अगर हम पाकिस्तान को इंस्ट्रूमेंट के रूप में, अपने साधन के रूप में, अपने फायदे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इससे दो फायदा होगा। एक फायदा तो होगा कि पाकिस्तान जैसा एक देश जिसकी दूरियां अमेरिका से बढ़ रही हैं वो चाइना के नज़दीक आएगा। दूसरी बात, जो चाइना और इंडिया, इनकी जो प्रतिद्वंदिता है उसमें भी भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा। इस गेम को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना इंटरफेरेंस करता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र से करते हुए वन बेल्ट वन रोड का निर्माण कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को फायदा तो होता दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा
चाइना है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो अरेबियन सी तक पहुंचे। अगर अरेबियन सी तक पहुंचता है तो इधर से वो मिडिल ईस्ट भी जा सकता है, इधर से वो यूरोप भी जा सकता है, इधर से अफ्रीका भी जा सकता है, इधर से भी कहीं पर भी प्रोडक्शन अपना जो प्रोडक्ट है उससे सप्लाई कर सकता है। अब देखिए यहां पे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जब 2001 के बाद अमेरिका लगातार प्रयास करता रहा ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के बाद वो ओसामा बिन लादेन को समाप्त करता है, लेकिन क्योंकि तालिबानियों की दुश्मनी अमेरिका ले चुका था तो अमेरिका असमंजस की स्थिति में था कि अब हम अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएं कि यहां पे पार्टिसिपेट करें। इस असमंजस में और काफी उधेड़ बुन में रहा और परिस्थितियां चेंज होती रही, अमेरिका की लगने लगा कि युद्ध हमारा तो है ही नहीं, हमारा उद्देश्य केवल ओसामा बिन लादेन को मारने का था। तो अब 2021 में जो वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन है उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखिए इससे परिस्थितियां कितनी चेंज होती है, कितनी चेंज होती है परिस्थितियां, अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक, अब यह है अफगानिस्तान का पूरा एरिया। अब किसका किसका प्रॉफिट है, किसका किसका लॉस है, ये देखिएगा और सब समझिएगा। सिर्फ हर व्यक्ति अपना आर्थिक फायदा चाहता है, हर व्यक्ति हर देश अपना सामरिक फायदा चाहता है। तो चाइना का उद्देश्य है कि अगर हम अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस करते हैं, अगर हम अपना आधिपत्य अफगानिस्तान में बढ़ाते हैं तो हमें ईरान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, मतलब मिडिल ईस्ट में जाने का रास्ता उसका ओपन हो जाएगा, यूरोप तक जाने का रास्ता इसका ओपन हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की इससे बहुत अच्छे संबंध है, और क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंधों में जब प्रगाढ़ता आई तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को उन्होंने फंडिंग नॉमिनल करनी शुरू की, बहुत थोड़ी फंडिंग करता है, तो इसलिए भी पाकिस्तान की नजदीकियां चाइना के साथ बढ़ी। तो अब पाकिस्तान का फायदा क्या है कि अगर चाइना अपनी वन रोड वन बेल्ट की प्लान से हटता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। इसलिए पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल के उद्देश्य सिर्फ ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का प्रयोग वह अपने व्यापारिक अपने सामरिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए करें। अब यहां पे अमेरिका देखिए, अमेरिका विड्रॉ तो कर गया है लेकिन अब पूरे विश्व की बात, पूरे विश्व की निगाह अमेरिका के ऊपर इस ब्लेम में लगी हुई है कि अमेरिका को अभी यहां से विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जबकि बार बार जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं यूएसए के, वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध हमारा कभी था ही नहीं, हमें तो ओसामा बिन लादेन को मारना था, हमने ओसामा बिन लादेन को मारा और हमने वापस पहले आना चाहिए था, हम कुछ देर बाद निकल रहे हैं। इवन बाइडेन ने यह भी कहा कि हमने अफगानी सेना को 20 साल तक प्रशिक्षित किया, लाखों की संख्या में उनकी सेना बढ़ाई। अगर वो लाखों की संख्या की सेना सिर्फ 75,000 तालिबानी का सामना नहीं कर सकते, हाथ पांव उनके फूल गए, वो युद्ध छोड़ के भाग गए, उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो अपना पूरा प्रयास किया, अपने ढेर सारे सैनिकों की हमने शहादत तक दी। ये बात अमेरिका कह रहा है। अब इसमें आप देखिए इंडिया की कंडीशन क्या है, यहां इंडिया एक बड़े पशुपेश में फंसा हुआ है। सबसे बड़ा पशुपेश क्या है कि भारत ने, इंडिया ने अफगानिस्तान में निवेश कर रखा है,
ये निवेश 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। वहां पे कई डैम हैं जो इंडिया ने अपने खर्चे पे बनाए। उद्देश्य ये था कि अगर अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अफगानिस्तान की परिस्थितियां सुधरेंगी, तो क्योंकि वो भारत का पड़ोसी है, इसका फायदा भारत को व्यापारिक रूप से मिलेगा, सामरिक रूप से मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां बदल रही है। जैसा कि आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले तालिबानियों ने ये बयान दिया कि हम भारत के विकास कार्यों में कोई भी अवरोध नहीं लगाएंगे। लेकिन ये तालिबानी है, ये अपनी बातों से बहुत आसानी से पलट जाते हैं। 2 दिन पहले वो कुछ और कह रहे हैं, 2 दिन के बाद कुछ और करेंगे। दूसरी चीज, अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो इंडिया है ना, इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा था ईरान में, उसका नाम है चाहार बाहार। ये एयरपोर्ट बंदरगाह डेवलप कर रहा था इंडिया, लेकिन इसमें प्रारंभिक सफलता तो प्राप्त हुई, लेकिन बाद में जो चाहार बाहर पे भारतीय कंपनी ONGC, जो ठेका ONGC को मिलना था, वो ठेका ईरान की सरकारी कंपनी को दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि चाहार बाहर पे हम सफल तो हुए, लेकिन उतनी सफलता अभी नहीं मिली है। तो अगर अफगानिस्तान की परिस्थितियां भारत के अनुकूल होती हैं, तो हम अफगानिस्तान के माध्यम से मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं, नहीं तो हमारे पास सिर्फ एक विकल्प होगा कि हम ईरान के क्षेत्र का प्रयोग करें। भारत सरकार की योजना यह भी थी कि ईरान में रेलवे लाइन भी डेवलप की जाए, ईरान में रोड भी डेवलप की जाए, जो उसे मिडिल ईस्ट तक जाने में सहायता करे। तो कहने का तात्पर्य है कि इस परिस्थिति में जो परिस्थितियां भी चल रही हैं, उसमें हर देश के अपने अपने उद्देश्य हैं, हर देश के अपने अपने साधन हैं, हर देश के अपने अपने समाधान हैं। तो अगर हम देखें, वास्तविक रूप देखें, कि जो अफगानिस्तान है, इन्हें पीड़ित तो नहीं कहा जा सकता, भले ही अफगानिस्तान का प्रयोग पहले रसिया के द्वारा साधन के रूप में किया गया, फिर अमेरिका के द्वारा साधन के रूप में किया गया, फिर पाकिस्तान के द्वारा साधन के रूप में किया गया, अब उसका प्रयोग साधन के रूप में चाइना कर रहा है, लेकिन जो काम अभी तालिबानी लोग कर रहे हैं, वह अपने आप में एक अकेला उदाहरण है, अपने आप में एक अकेला उदाहरण है। यहां पे ह्यूमन राइट है, उसका वायलेशन इतने उच्च स्तर पे हो रहा है, जो कि वैश्विक परिस्थितियों के लिए उचित नहीं है। तो देखिए, सब मिला के हमने देखा कि जो अफगानिस्तान है उसका उपयोग किया गया, उसको आर्थिक सामरिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया, और जिसका परिणाम आज पूरे विश्व के सामने एक संकट के रूप में खड़ा है। तो कहने का मतलब, जो हमारा हेडिंग था कि अफगानिस्तान एक समस्या या समाधान, देखिए अफगानिस्तान न एक समस्या है और न ही एक समाधान है, अफगानिस्तान एक विवाद की स्थिति है, उस विवाद को समझौतों, मसौदों, संधियों के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अगर अमेरिका चाहे, रसिया चाहे, चाइना चाहे, पाकिस्तान चाहे, भारत चाहे, कोई भी हो, आपको शांति वार्ता पे जाना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, और अगर आप देखेंगे तो जितनी बात उठी, सारी की सारी बात व्यापारिक लाभ को लेकर के जा रही है, सब चीज व्यापारिक लाभ को लेके जा रही है। आज हमने अफगानिस्तान मुद्दे की चर्चा की, इस मुद्दे पे जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, नई चीजें जुड़ती जाएंगी, परिस्थितियां परिवर्तित होती जाएंगी, तो इस संदर्भ में हम आपके सामने कुछ और वीडियो
शेयर करेंगे जो कि आपके सामने कुछ आने वाले समय में आएगा। थैंक यू।